अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। मान लीजिए भगवान नहीं करे मैम सिलेक्शन नहीं होता, तो आपका कैरियर बैकअप क्या था और कितने अटेम्प्ट के बाद वो कैरियर बैकअप आप एग्जीक्यूट करने वाले थे? मेरा करियर बैकअप ये था कि मैंने BHEL भोपाल में एक PSU में जॉब की हुई थी, तो या तो फिर मैं गेट वापस देती, मोस्ट प्रोबेबली मैं गेट वापस देती, गेट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू मैं एमटेक या रिसर्च फील्ड में चली जाती, क्योंकि एकेडमिक्स में फिर एक अच्छा करियर बनाती, रिसर्च में आगे जाती, तो वही मेरा करियर प्लान रहता। कितने अटेम्प्ट्स की बात करती, मेरा प्लान तो था कि मैं 2 से 3 अटेम्प्ट दूंगी, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन के साथ दूंगी, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था कि नौकरी छोड़िए, अब जो लगता हो लग जाए, वो चाहे कितना भी पढ़ना पड़े। तो 1 साल बिल्कुल वो जुलाई 2019 से लगभग सितंबर 2021 जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, तो डेली 100% अपना देती रहती थी, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ती थी, फुल टाइम तैयारी ही कर रही थी, तो गॉड विलिंग था तो हो ही गया। हमेशा स्मार्टली पढ़ाई की, छोटी छोटी चीजों के पीछे भागे नहीं, स्टैंडर्ड चीजों पे, लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान बहुत ज्यादा रहा, सो उतने में हो गया। बाकी करियर बैकअप होने में कोई बुराई नहीं है, सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, देयर आर मेनी वंडरफुल करियर्स आउट देयर, बस अपना 100% दे दीजिए ताकि आपको लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे कि वो कर लेते तो हो जाता या हो जाता या मैं ऐसा कर लेती। सो बस ये मेरा करियर बैकअप प्लान था। 2 से 3 अटेम्प्ट लेकिन दिल जान लगा के दिए जाएं, डेफिनेटली यू कैन फाइंड सक्सेस, और ये हम आज देख भी सकते हैं मैम के एग्जांपल से। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान, T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।